गाइस कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग रैंक पुशिंग, कमेंट करके ज़रूर बता देना। फिलहाल तो अभी बचा है बस 8 दिन कॉन्करर के लिए, मतलब सीजन ख़त्म होने में, तो इसमें भी बहुत सारे भाई लोगों का 200-300 पॉइंट बाकी है। और एक भाई ने कमेंट किया भाई मेरे को 390 पॉइंट चाहिए, मतलब मान लो कि 400 पॉइंट अभी भी बाकी है, क्या कॉन्करर हो सकता है? उसके बारे में बात करेंगे बहुत ही अच्छे से, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। पर उससे पहले यहाँ पर सीन देखो, एंट्री होता है इवेंट पर जिसमें हम लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, बस देखो। तो फिलहाल यहाँ पे सीन देख सकते हो, उतरने के साथ साथ एक बंदा मतलब जो मेरे हाथ पे चढ़ जाता है तो इजी फिनिश कर देते, क्योंकि गन भी मिल गया था। उसके बाद ऊपर भी एक बंदा रहता है जिसको थोड़ा सा मतलब फायर लेने की ट्राई करते, कोई फायदा होता नहीं है। उसके बाद मैं सोचता हूँ थोड़ा सा लूट कंप्लीट सबसे पहले कर लेते। लूट करते करते मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, नीचे स्पॉट होता है एक बॉट भैया जी। तो देखो यहाँ पर सीन, तो फिलहाल यहाँ पे बॉट भाई को फिनिश करने के बाद ना एक कूप का भी साउंड आता है, पर यहाँ पे ऊपर चला जाता है, बहुत दूर भी था इसलिए फायर वगैरह कुछ लेता नहीं हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सर्वाइव करते करते ना थोड़ा सा ऊपर आता हूँ, मैं सोचा कि भाई और थोड़ा लूट कर लेते, लूट मिलते को मतलब लगभग मिला ही नहीं, बहुत ही कम मिला था। तो मैं लूट कर ही रहा था तभी मेरे को सामने से एक बंदे का फुटप्रिंट आता है। तो अभी यहाँ पर फाइट देखो आप लोग, यहाँ पे सच बोलूँ तो मेरा दिमाग घुमा दिया था, मतलब इतना बार बंदे ने घुमा, क्या ही बोले यार, मैंने इजीली मेरे को फिनिश कर दिया। उसके बाद तो भाई घुसे से ही फिनिश किया, क्या ही बोले, पर कोई नहीं, उसके बाद रिकॉल हो जाते हैं अच्छा खासा। यहाँ पे 2 फिनिशेस मैंने निकाला था। उसके बाद जोन के बाहर जाकर सर्वाइव करते हैं, समझ रहे हो ना, जोन के बाहर जितना सर्वाइव करके उतना आपको जो है ना टॉप 10 या टॉप 5 निकालने में हेल्प होगा। और हमेशा अभी के टाइम पर कोशिश करो चिकन हो भाई, भले ही 2-3 कल मतलब किल्स कम हो, पर चिकन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल यहाँ पे सीन देखो कि अपना यहाँ पे सर्वाइव वगैरह निकाल ही रहा था, उतने में मेरे को बाहर साइड से ना एक कूप का साउंड आता है, तो यहाँ पे मैं स्प्रे लेने जाता हूँ। तो फिलहाल भाई को थोड़ा सा डैमेज देते ना, मैं सीधा घुस ही जाता हूँ। और यहाँ पे बस मेरा 2 किल है और यहाँ पे फाइट करके निकलूँगा, उसके बाद मेरा कितना किल होता है बस वो आप लोग एक बार नोटिस करना। तो फिलहाल यहाँ पे फाइट वगैरह कैसा लगा एक बार कमेंट करना भाई। बैक टू बैक बंदे आते रहे, एक बॉट आया, 2 मतलब रियल बंदा आया, जो दोनों भाई को फिनिश किया, बॉट को भी फिनिश किया, टोटल यहाँ पे 5 किल हो जाता है अच्छा खासा। और अब थोड़ा सा बात कर ले मेन टॉपिक के मतलब टॉपिक के बारे में कि देखो जो चीज़ बोल रहा था भाई ने कि भाई मेरे को 390 पॉइंट चाहिए, मतलब 400 पॉइंट चाहिए, तो अभी भी 8 दिन बाकी है, आज से कोशिश करो दिन का कम से कम 100 प्लस निकालो, तो आपको भाई 4 से 5 दिन ही लगेगा, उसके बाद आपको 2-3 दिन एक्स्ट्रा लगे मतलब मिल भी जाएगा, समझ रहे हो। मैं हमेशा बोलो जिस दिन सीजन ख़त्म होगा उससे एक दिन पहले आपको कॉन्करर कर लेना है, जिससे आपको भाई 5 मैच खेलने का टाइम मिल जाए, समझ रहे हो ना, एक नहीं 2 दिन पहले कर लो, नहीं तो लास्ट दिन में आपको क्या सीन जाएगा, कॉन्करर मिल तो जाएगा पर 5 मैच नहीं खेल पाओगे, जिसकी वजह से जो चीज़ है वो फ्रेम वगैरह आपको नहीं मिलेगा।
और डेली का जितना टारगेट ले रहे हो ना उतना टारगेट आपको कंप्लीट करके छोड़ना है तो आपको कॉन्करर इजी हो जाएगा। देखो मतलब कम से कम 8 दिन बाकी है तो 8 दिन को मान लो कि 5 दिन में करना है, समझ रहे हो ना। 2-3 दिन एक्स्ट्रा हाथ में रखो जिससे आपको फायदा होगा, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे सीन देखो कि गेम प्ले के बारे में थोड़ा सा बात कर देते, तो यहाँ पे जोन के अंदर एंट्री लेते वाले कंपाउंड में, ये वाले कंपाउंड में तो थोड़ा मतलब खाली था। यहाँ पे सामने वाले मतलब घर से ना बंदे का फुटप्रिंट तो आ रहा था, मैं नेड किया पर नेड का ग्लिच तो पता ही है भाई, नेड अभी करूँगा तो आधा घंटा बाद जाके फटता है, समझ रहे हो ना। तो उस बात को गोली मारो। अब यहाँ पे सीन देखो, यहाँ पे चुपचाप मैं होल्ड कर रहा था, जोन भी यहाँ पे ग्लिच था तो यहाँ पे चुपचाप होल्ड करते करते सामने एक बंदा मेरे को स्पॉट हो जाता है। तो अभी यहाँ पे सीन देखो, तो फिलहाल इस भाई को या पता नहीं बहन भी था पता नहीं जो भी सीन था, तो इसको फिनिश करने के बाद अच्छा खासा यहाँ पे 6 किल हो जाता है। उसके बाद मैं सोचता हूँ थोड़ा सा होल्ड करते हैं, जोन जब क्लोज होने का तुरंत निकलेंगे, पर उतने में ही एक बंदा आ जाता है जेट पैक यूज़ करके। अब देखो इसके साथ कैसे मैं फाइट निकालता हूँ। तो भाई के पास भी ग्रोजा था पर फिर भी मैं भाई को इजी फिनिश कर देता हूँ हाइट का एडवांटेज लेके। तो भाई को फिनिश करने के बाद अच्छा खासा 7 किल हो गया था। और इतने में थोड़ा सा होल्ड करते ना जोन भी इधर से हट गया था। तो अब मेरे को निकलना था जोन के अंदर, तो जोन के अंदर एकदम सीधा गाड़ी लेके निकलते, बिल्कुल रुकते नहीं, क्योंकि यहाँ पे जोन जब ग्लिच रहता ना मतलब कभी कब क्या सीन हो जाता है, कब जोन छोटा हो जाता है कुछ भी पता नहीं चलता। तो इसलिए सेफ जोन में रहना थोड़ा सा मतलब मैं सेफ मानता हूँ, समझ रहे हो ना, क्योंकि जोन के बाहर रहूँगा तो थोड़ा सा रिस्क होता है। तो यहाँ पे गाड़ी लेके ये वाले शैक पे आते, ये वाला शैक लकीली खाली रहता है। ये वाला स्मोक भी मैंने ही किया था, क्योंकि स्मोक कर लिया था कि मैं देख चेक कर रहा था यहाँ पे कोई बंदा था कि नहीं, पर यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं था। और पूरा जोन के अंदर भी यही एक शैक था जो कंपाउंड बोल सकते हो, और कोई भी मतलब कुछ भी नहीं था, पूरा ओपन जोन था। इसलिए मैं अब चुपचाप होल्ड करता हूँ। ये वाला शैक भी मेरे को काफ़ी देर तक जोन के साथ मतलब एंड तक बोल सकते हो जोन के साथ देता है। तो यहाँ पे चुपचाप होल्ड कर रहा था, इतने में जोन भी क्लोज इन हो जाता है नेक्स्ट जोन, और उतने में ही मतलब सामने जो बंदा था ना उस बंदे का साउंड आ जाता है। अब देखो इसके साथ कैसे मैं फाइट निकालता हूँ। तो फिलहाल इस भाई को बहुत ही इजीली फिनिश कर देते हैं। भाई ने अच्छा खासा डैमेज दिया था, क्योंकि भाई के पास था MG3 लाइट मशीन गन, जो गन है ना वो वाला था, जिससे मेरे को अच्छा खासा यहाँ पे डैमेज दे दिया था। अब देखो बचा था एक ही बंदा, और जोन भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे छोटा हो चुका है, और यहाँ पे हीलिंग ग्लिच वगैरह बहुत कुछ हो रहा था जोन जब ग्लिच होता है, पता ही आप लोगों को। अब यहाँ पे चुपचाप मैं होल्ड कर रहा था, क्योंकि जोन भी एकदम छोटा हो चुका था, शैक भी लगभग जोन के बाहर है, थोड़ा सा जोन के अंदर था। तो मैं सोचता हूँ सामने जो डिप टाइप का है ना उधर जाके होल्ड करते, इसलिए मैं यहाँ पे गाड़ी लेकर सीधा यहाँ पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करते ही ना एक मॉल ही आता है मेरे पे, तो मैं सोचता हूँ बंदा आएगा अभी तुरंत। अब ऐसा ही सीन होता है, तो देखो यहाँ पे सीन। तो फिलहाल इस भाई को भी बहुत ही इजीली यहाँ पे नॉक कर देते हैं। उसके बाद पेन से फिनिश करने जा रहा था, भाई भाई कुछ बोलते भी नहीं है, ऊपर से खुद भी मतलब जो है ना फिनिश हो जाता है अच्छा खासा यहाँ पे 8-9 किल के साथ चिकन डिनर मेरे को मिल चुका है। और हमेशा आप लोग कोशिश करो भाई चिकन डिनर निकालो जिससे आपको 20 के ऊपर प्लस मिले, थोड़ा किल रहेगा 4-5 किल तो 20 के ऊपर ईजी प्लस मिल जाएगा। कभी कभी नहीं मिलता, वो लॉबी के ऊपर डिपेंड करता है, फिर भी मेरे को यहाँ पे 26 का प्लस मिल चुका है। तो अभी के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लस मैं मान सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास किल भी बहुत ज़्यादा नहीं था पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। आप लोग बोलेंगे भाई 9 किल कुछ नहीं होता, बंदा 20 किल निकालो, मैं नहीं निकाल पाता हूँ, मैं इतना प्रो प्लेयर नहीं हूँ और मेरे पास इतना अच्छा खासा डिवाइस भी नहीं है, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा दिक्कत होता है, पर मैं जितना किल निकालता हूँ भाई प्लस अच्छा खासा मिल जाता है, हर्सियन कॉन्करर तो कर लेता हूँ। जितना मैंने टारगेट दिया है ना वो टारगेट कंप्लीट करो, आपका कॉन्करर ईजी हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे अपना आईडी का रैंक वगैरह लोग चेक कर लो, कितना पॉइंट बाकी वो भी देख लो। 100 पॉइंट मतलब 170 पॉइंट के आसपास मेरे को करना होगा, जो भी सुनेगा आपको वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए वीडियो बस यही तक था, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, चैनल पर नया आया तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।